जाता है एयरलाइंस का, ये तंग करने की बात होती है। आजी मुठ्ठल एयरलाइंस है, मैं कभी आज के बाद नहीं फ्लाई करूंगा कसम से भाई, इतनी दिक्कतें करी ना आज, मैं दिमाग खराब हो गया मेरा। तो भाई चला रहे हैं आगे, एयरपोर्ट जा रहे हैं अभी, भाई मेरे को लेके जा रहे हैं। का क्वा जबूत ब्रात अलेक्से सीत सीत सिद्धार्थ सीत पीनिया हिंदूस टूरिस्ट मीनिया रूसकी चुचुत गवारी हाँ रूसिया टूरिस्ट Русия очень хорошо. Нет, просто... Ага, мне кто-то говорит. Говорит по-русски. Сами учились. А, сами учились, да. Сам учился. Ага, ага. Я, шаят, мне кто-то лаг рэки, кэрэ ки русский тоди-тоди самаж ати апко. Русия, Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Краснодар. Как Мурманск? Ага, да, Мурманск, Тариберка. Ну как, понравилось? Нет. Хорошо, Мурманск? Хорошо, Мурманск, хорошо. Да. То яри, аэропорт аге, я Алексей бхай те, чхоڑ рэ те мэрко. Аэропорт аге, яасе апни флайт е, Краснодар ки, 3.5-4 hours ки флайт е. Зимой. А зимой приедете, будете смотреть северное сияние. Аб мэрко куч самаж не ара, кя кэ рэ. Нет, понимает. Куч не самаж ая, мэрко бхай не кя ка аби. But, спасибо for the bus ride da mere ko yaar uske aage uski aati nahi hai airport wahan pe aa gaya hai samne 6 baje pahunch gaya 8 baje ki flight hai andar milte hain shayad yaar main na bus mein itna baat nahi kar paya because bhai se baat kar raha tha main keh raha tha ki meri Mormant se Krasnodar ki flight hai kareeban 3 ghante ki hai और एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट यार बाहर है सिटी के, करीबन 1 to 1.5 hours लग गया मेरे को आने में। 6 बज चुके हैं, 8 o'clock की फ़्लाइट है यहाँ से Krasnodar की, 3-3.5 hours की फ़्लाइट है। दिक्कत है कि मेरा ना 10 kg का बैगेज है, अब मेरा बैग है 10 kg से तो एक्सीड है, और 10 kg में ये भी नहीं है कि आप दो बैग रख लो, एक बैग रख सकते हो। तो देखते हैं एक्स्ट्रा चार्ज लगता है कि नहीं लगता। भाई हम तो नहीं देंगे एक्स्ट्रा चार्ज, जो करना है कर लो। अभी यार वो कहेंगे तो देने पड़ेंगे ऑफ कोर्स, बट देखते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर मिलते हैं। तो यार मेरा चेक इन हो गया, मेरे को बोर्डिंग पास मिल चुका है, अपना बोर्डिंग पास है। फ्लाइट है करीबन 8:05 की और अभी बजे हैं 7:25। दिक्कत क्या आई ये बताता हूँ, बहुत बड़ी दिक्कतें आई हैं मेरे को अभी, बट फ्लाइट मिल गई। हम भी डटे रहते हैं ना, ये अपना बोर्डिंग पास। और मैं बताता हूँ दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि मेरा बैग थोड़ा बड़ा है, जो मेरा मेन बैग है वो थोड़ा सा बड़ा है। वो एक बैग सा देते हैं जिसमें आपको डालना होता है, वो एक बॉक्स सा देते हैं जिसमें आपको डालना होता है, उसमें मेरा फिट नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला वी कांट डू एनीथिंग, तो मैंने बोला भाई तो मैं बताओ भाई क्या करना है, क्या पे करना है, क्या करना है। पे अगर रीज़नेबल होता तो मैं कर देता भाई, क्या दिक्कत है। अब फ्लाइट है 3800 rubles की, वो कह रहे थे 3000 तुम पे करो। मैंने कहा भाई पागल हूँ क्या मैं, 3000 मैं इसके लिए पे करूँगा जो थोड़ा सा वो है। मैं समझाने की कोशिश करी, उसको इंग्लिश भी आती थी, वो कह रही नहीं नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल। मेरे बड़े भाई मैं कपड़े निकाल लेता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ। मेरे को ये नहीं समझ आता कि कपड़े आप निकाल के पहनते हो, फ्लाइट पे तो सेम वेट जा रहा है ना। मेरे को ये नहीं समझ आता एयरलाइंस का, ये तंग करने की बात होती है। आजी मुठ्ठल एयरलाइंस है, मैं कभी आज के बाद नहीं फ्लाई करूँगा कसम से भाई, इतनी दिक्कतें करी ना आज, मैं दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और कंसर्न था कि भाई मेरे बैग वैग कुछ कहीं खो वो ना जाए, मेरे को उसका ज़्यादा फिक्र होती है। 2-3 hours कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मैं भी डटे रहा। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं पे करूँगा, मेरा ठीक है वेट तुम कैसे कह सकते हो। मैं समझता हूँ वो बॉक्स में फिट नहीं आ रहा था ढंग से। मैंने कपड़े निकाले, मैं साइड में कॉर्नर में कपड़े रख के आ गया अपने, कि भाई कपड़े वहाँ से ले लेंगे जाते जाते। वो करा, 3 or 4 tries में मैं 6 o'clock पहुँचा था, और मेरा अभी जाके अब बैगेज क्लियरेंस हुआ है 7 o'clock।
तो भाई क्या कहें, क्या क्या कहूँ मैं, बट फाइनली मिल गया। मैंने पैसे नहीं पे करे भाई, डटे रहा करो, ये बजट एयरलाइंस का ऐसे ही होता है, पैसे ऐसे ही कमाते हैं लोग। उसके अलावा 3800 की फ़्लाइट है और ये नॉर्थ से लेके साउथ है, तो प्राइस तो अच्छा है, फ़्लाइट में कुछ नहीं सर्व होगा। बजट एयरलाइन है, एयर एशिया से भी बदतर है भाई। जो यूरोपियन बजट एयरलाइंस होती हैं, रायन एयर और ये आजीमुथल और ये सब, ये भाई बहुत गंदी होती हैं। इनको कस्टमर सर्विस से कोई मतलब नहीं होता, इनको ये होता है कि भाई आप उड़ो, पहुँचो और दफा हो। उनका ये रूल होता है बेसिकली। बट कोई बात नहीं, इसके बाद आजीमुथल एक बार और लेनी पड़ेगी मेरे को। आजीमुथल है, आजीमुथल एयरलाइंस है पूरा पूरा उस पर। तो आगे मेरे को येरवान के लिए भी यही वाली लेनी है। अब वो दिक्कत हो गई है भाई, मैं बुक कर चुका हूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि सस्ती मिल रही थी, मैंने कहा बुक कर दो। यही होता है भाई, जो यू गेट व्हाट यू पे फॉर। ठीक है भाई, फ्लाइट बोर्ड करते हैं। 3.5 घंटे की फ़्लाइट है, कुछ खाया भी नहीं, सोचा तो कुछ खा लूँगा। पीछे है बार और ये एरिया है भाई, यहाँ पे दारू फुल चलती है एयरपोर्ट पे, पहली बार देखा मैंने। ये देख सकते हो भाई, दारू की बॉटलें ट्यूब बॉक्स ख़त्म कर रखी है लोगों ने, पहली बार देखा है इतना किसी एयरपोर्ट पे लेकर अलाउड है। विद दैट सेड, आपको फ़्लाइट की जर्नी दिखाएंगे भाई, और क्या दिखाएंगे, थकावट मेरे चेहरे पे। Пассажир просит на стойке регистрацию и оформление багажа на рейс 236 авиакомпании «Победа». भाई लोग क्या जल्दी है इतनी प्लेन में चढ़ने के लिए, रुक जाओ 2 मिनट। ये आजीमुथल एयरलाइन, पता नहीं कौन सा A320 है शायद, चलते अंदर। Дамы и господа, мы заботимся о вашем благополучии, поэтому бортовой журнал ваш Азимут. Чтобы скачать бортовой журнал, отсканируйте QR-код, расположенный на спинке переднего кресла, и берите посылку. Ой, если куча Азимут Airlines. Куча не есть, куча не есть. Budget Airlines. Бас есть. Все пассажиры должны ходить. Ебе культа, я к ней культа. Культа, чело, бай, ето культа. खाना वाना कुछ नहीं सर्व करते ये लोग, सीट भी फटी हुई है। कुछ नहीं है। और एक बात बताता हूँ जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, ये 3-2 कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 सीट, वहाँ पे 3 सीट। पहली बार मैं 3-2 कॉन्फ़िगरेशन वाले प्लेन में बैठा हूँ। सब भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका प्लेन के बाथरूम में। भाई आप कहोगे बाथरूम क्यों दिखा रहा है, भाई बाथरूम इसलिए दिखा रहा है बिकॉज बाथरूम में खुल के बोल सकते हो। अभी प्लेन के अंदर बोलूँगा तो मेरे को शायद यहीं से पैराशूट लगा के फेंक दे नीचे, क्या पता। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो यार। ये यूरोपियन एयरलाइंस ना थोड़ी स्ट्रिक्ट सी होती हैं, ना मुस्कराते हैं ना कुछ है। पानी दिया था, चलो अच्छी बात है। ये बाथरूम बड़ा अच्छा लगा यार, मतलब बाथरूम ओचन का रश हो ऐसा है, बड़ा सा है, मतलब चलने की जगह काफ़ी है। और ये तो बताइए क्या है, करीबन 3.5 घंटे की फ़्लाइट है यार, काफ़ी थक गया हूँ मैं, क्योंकि मैं सुबह भी 3 घंटे मैंने बस ली थी, अभी मतलब बोला भी नहीं जा रहा, बहुत थक गया हूँ मैं। 3.5 घंटे में अब दिल्ली से दुबई पहुँच जाते हैं, बट यहाँ पे हम लोग नॉर्थ से साउथ रशिया में आ रहे हैं, सेम कंट्री में, जैसे अपने इंडिया में होता है, मतलब सिटीज़ में एक दूसरे में टाइम लगता है आने जाने में बिकॉज बड़ी कंट्री है, वैसी सेम रशिया है, रशिया सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में। कोई बात नहीं, सही है, हाथ मुँह धोते हैं और चलते हैं बाहर, और क्या दिखाऊँ, गर्म पानी आता है, बढ़िया मज़े आ जाते हैं। आगे स्वाद, ये ठंडा आ रहा है यार, ये बजट एयरलाइन है, ठंडा आ रहा है, गलत 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 बात है। यार ये एरिया है, इसमें खड़े हो सकते हो, टांगे स्ट्रेच कर सकते हो, और क्या कहूँ, एयर होस्टेस का पानी पड़ा हुआ है, पी सकते हो, पिए, कोई देख तो नहीं रहा, यहाँ पे पानी के लिए भी बोलते हैं।
थोड़ा सा यार पानी के लिए कौन क्या बोलता है, प्यास लग रही है। एयरपोर्ट पे ही हूँ अभी यार, यहाँ से सिटी के अंदर जाना है। वैसे तो मैं बस ही लेता हूँ हमेशा, मेरे अभी तक भी एक टैक्सी नहीं ली है, बट यार अभी लेनी पड़ेगी क्योंकि अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही है कि या तो 5 घंटे यहाँ पे बैठो, बस चलेगी तो जाओ। अभी आ रही है यांडेक्स टैक्सी है यहाँ पे, यांडेक्स मैप्स, यांडेक्स गो, यांडेक्स से काफ़ी सारे मैप्स हैं। City is empty. Yes, man, no people. You didn't go to Great Wall of China. Great Wall of China. You didn't go. Yeah. No. You go? No. Yeah, niyat. No. Uh-huh. No. Yes. I thought coming from Murmansk, I thought Krasnodar will be warm, but it's almost same weather. Yeah, because the north wind is come from there. Da da da, pretty much.